वेलकम बैक टू माय चैनल, दिस इज श्रेया। और ये ज्वेलरीज मैंने इन फूलों से बनाई है। ये वही फूलों की लरियां हैं जो कि हम अपने घरों में डेकोरेशन के लिए यूज करते हैं। और ये एक रियल ब्राइड के लिए है जो कि मैंने ड्रेस की मैचिंग का कस्टमाइज किया है। तो बिना देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। इन फूलों की लरियों में से हमें सिर्फ फूलों की ही जरूरत है, तो हम उसको अलग कर लेंगे। और हमें चाहिए कुछ पॉलेंस, इसमें जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसको भी रिमूव कर देंगे। जो इसमें फिल्मिंग है यानी कि टेप वाला पार्ट, और वायर और लीव्स, और जो एक्स्ट्रा थ्रेड है हमें उसको भी कट करना है। अब इस पे ग्लू लगा के फूलों के सेंटर वाले पार्ट में इसको हम पेस्ट कर देंगे। यही हमारा बेस है, यही हमें पूरी ज्वेलरी में जरूरत पड़ेगी। और जो इसका पीछे वाला पार्ट है उसको भी हम कट कर देंगे, वरना ये कानों में चुभेगा। और यहाँ पे मैंने लिया है एक बड़ा सा झुमका, क्योंकि ब्राइड के डिमांड थी कि मुझे बड़े बड़े इयररिंग्स चाहिए। और फिर इसको गोल्डन मेटालिक कलर से पेंट कर देंगे, क्योंकि हमारे ड्रेस में सिर्फ येलो और ग्रीन ही कलर्स हैं। और जो इसका मोती वाला पार्ट है उस पे ग्रीन कलर करेंगे। यहाँ पे ग्रीन के लिए मैंने एक्रेलिक कलर यूज किया है। अब जो झुमके के ऊपर वाला पार्ट है उसकी तो हमें जरूरत है नहीं, तो हम इसको रिमूव कर देंगे। इसके बाद हमें चाहिए इयररिंग हुक्स, इसको हम फ्लावर में अटैच कर देंगे। यहाँ पे मैंने सुई धागे की हेल्प से अटैच किया है, क्योंकि ब्राइड ने ये भी बोला था कि उसको बहुत सारा डांस करना है और ज्वेलरी थोड़ा सा भी इधर उधर नहीं होना चाहिए, यानी कि टूटना नहीं चाहिए। तो मैंने पूरी सिक्योरिटी का ध्यान रखा है, एकदम मजबूती के साथ इसको बनाया है। और जो नीचे वाला पार्ट है फ्लावर का, उस वहां पे हम झुमका अटैच करेंगे। यहाँ पे हर जगह अटैचमेंट के लिए मैंने सुई धागे का ही यूज किया है, ताकि बिल्कुल ये टूटे ना। और बस हमारा इयररिंग पीस तैयार है। इसी तरह से मैंने एक और बना लिया है। और लास्ट में एक्स्ट्रा सिक्योरिटी के लिए हमने जहाँ जहाँ पे स्टिचिंग की थी वहाँ पे हम नेल पेंट लगा देंगे, जिससे ये बिल्कुल भी नहीं खुलेगा। हमारा इयररिंग पीस तो बन गया। अब आती है बारी मांग टीके की। उसके लिए हम यूज करेंगे ये पर्ल चेन, चेन जिसमें कि बीच बीच में पर्ल्स लगे होते हैं। तो बीच में हमें एक चाहिए और किनारे किनारे पे तीन। इसी तरह से मैंने दोनों साइड बना लिया है। और सेंटर के लिए हम वही फ्लावर्स यूज करेंगे जो हमने स्टार्टिंग में बनाए थे। और जो हमारी तीनों लरियां साइड साइड में है उसको अटैच करने के लिए हम जंप रिंग का यूज करेंगे। इसी तरह से अंदर वाली साइड पे भी तीनों लरियों को अटैच करने के लिए हम जंप रिंग का यूज करेंगे। और लास्ट में हम तीनों पार्ट्स को फ्लावर से अटैच करेंगे। अगेन हम स्टिचिंग मेथड का यूज करेंगे, ताकि ये मजबूत रहे और खुले ना। इसी के साथ हमारा मांग टीका भी तैयार है। इयररिंग भी बन गया, मांग टीका भी बन गया। अब बारी आती है नेकलेस की। नेकलेस के लिए मैंने वही लेस यूज किया है जो कि ब्लाउज में यूज हुआ था। तो इसके लिए हम फ्लावर्स के पार्ट्स को पहले रिमूव करना होगा। जो इसका डंडी वाला पार्ट है इसको हम रिमूव कर देंगे, नहीं तो ये गले में चुभेगा। और इसमें जो एक व्हाइट प्लास्टिक होता है उसको हम रखेंगे, इससे हमारे फ्लावर का शेप थोड़ा गोलाई में आएगा। अब फ्लावर के सारे पार्ट्स को हम एक साथ असेंबल करेंगे और उसको लेस में स्टिच कर देंगे। यही सेम प्रोसेस का यूज करके हम पूरे लेस को फ्लावर से कवर कर देंगे।
अगेन हम यहाँ पे भी पॉलिन का यूज करेंगे फ्लावर के सेंटर पार्ट में। फिर से हमें पॉलिन के जो भी एक्स्ट्रा चीजें हैं उसको रिमूव करना है और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। फिर नेकलेस में एक डोरी लगी होती है पीछे साइड, उसको भी हम इसमें अटैच कर देंगे। अगेन यहाँ पे मैंने स्टिचिंग से इसको अटैच किया है। बस इसी के साथ हमारा नेकलेस भी तैयार है। और अब बारी आती है चूड़ियों की, तो यहाँ पे मैंने 3 चूड़ियों को एक साथ ग्लू किया है। फेविकोल की हेल्प से यहाँ पे मैंने पेस्ट किया है और उसके बाद फिर से यहाँ पे हम फ्लावर्स का ही यूज करेंगे और उसको इस पे पेस्ट कर देंगे। इसके चारों तरफ हमें फ्लावर पेस्ट करनी है, इसको पूरा फ्लावर से कवर कर देना है। और जो फ्लावर का सेंटर है वहाँ पे हमें पॉलिन्स पेस्ट करने हैं। अब यहाँ तक तो सब कुछ बहुत अच्छे से बन गया, पर मैंने सोचा था कि जो चूड़ियाँ होती हैं उसमें नीचे ऐसे लटकाने वाला लगाएंगे, जो कलीरे होते हैं बड़े बड़े, तो अच्छा लगेगा। पर जो इसका गोल वाला पार्ट होता है वो मुझे कहीं मिला ही नहीं। मैंने पूरे चौक ढूंढ लिया, पूरी एक एक दुकानें में जाके देखे, पर नहीं मिला, कहीं नहीं मिला। फिर मैंने कुछ जुगाड़ किया, तो मैंने लिया है ये कोल्ड ड्रिंक की बॉटल, जो 20 रुपए वाली बॉटल होती है छोटी वाली, वो मैंने यूज किया है। मेक श्योर ये ट्रांसपेरेंट रहे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। फिर इसमें सेंटर में थ्रेड अटैच करके जितनी हमें लंबाई चाहिए कलीरे की उसी हिसाब से हम इसमें थ्रेड को अटैच करेंगे। और जो इसका नीचे वाला पार्ट है यहाँ पे हम अगेन पर्ल वाली मोतियाँ की चेन यूज करेंगे, तो इसको भी मैंने थ्रेड की हेल्प से अटैच किया है इस बॉटल के जो बेस है उसमें। फिर हमें फ्लावर की पंखुड़ियाँ लेनी है और जो हमारे नेकलेस वाले पार्ट में ग्रीन पार्ट हमने सेपरेट किया था उसको फ्लावर्स में अटैच कर देंगे। और उसको अटैच करने के बाद हम इसको चेन में भी अटैच कर देंगे। इसी तरह से हमने जितनी चेन लगाई है सब में फ्लावर्स को अटैच कर देंगे। अब जो हमारा प्लास्टिक पार्ट दिख रहा था वहाँ पे भी हम पेटल्स को अटैच करेंगे। और हमारे कलीरे भी बन के तैयार है। अब ये रहे ब्राइड के कुछ शॉट्स। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। अगर आपको भी कुछ रिकमेंड करना है मुझे बनाने के लिए तो जरूर से कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा कि मैं क्या बनाऊं नेक्स्ट। एंड आप जो भी रिकमेंड करेंगे मैं उसको जरूर बनाऊंगी। और ये वीडियो कैसी लगी ये भी कमेंट में जरूर बताइएगा। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।